कहते हैं सूरत नु जमन और काशी नु मरण, यानी कि सूरत का खाना, सूरत का स्वाद और काशी में मोक्ष प्राप्त करना दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। इसलिए हम आ पहुंचे हैं डायमंड सिटी सूरत में, यहाँ पे स्वाद चखेंगे। टाटा सॉल्ट एंड टाटा संपन्न प्रेजेंट्स देश का स्वाद सीजन 3 पावर्ड बाय गोवर्धन घी। और इस स्वाद के सफर में मेरी स्वाद की सवारी साथ देती है और इसका जो टर्निंग रेडियस है ना इतना बढ़िया है, इसलिए गली गली से गुजर जाती है ये, और यही कमाल मुझे गली गली जाके स्वाद चखने का मौका देती है। तो आज चले सूरत की गलियों में और सूरत शहर की सैर करने। चलिए जो गरम गरम सव होता है। अच्छा। ये हमारा गुजराती टेस्ट का खमन है। अच्छा। ये खांडवी है जिसको पातोड़ी बोलते हैं, कई तरह के दो तीन नाम है उसके। अच्छा। ये चने की दाल और प्याज के समोसे हैं। चने की दाल और प्याज के समोसे हैं। ये हमारी गुजराती ट्रेडिशनल पेटीज और कचोरी है। अच्छा, पेटीज और कचोरी जो कोकोनट से बनती है। अच्छा। और एक हमारी दूसरा है नाचोस रोल लोचो। अच्छा। मायोनीज के साथ डबल चीज डाल के हम लोग बनाते हैं जो यंगस्टर को बहुत पसंद आता है। यंगस्टर्स को, तो अपने यंगस्टर्स के लिए भी ख्याल रखा है। हाँ। तो ये जो आपका जानी शॉप है, तो ये ऐसी कितनी शॉप से या कब से चला आ रहा है ये परंपरा? ये परंपरा करीबन 40 साल से ऊपर है। 40 साल से। आई एम द थर्ड जनरेशन इन दिस बिजनेस। और आज करीबन हमारी सूरत में 6 फ्रेंचाइजी है, अहमदाबाद में 2 है। अच्छा। और यहाँ पे हम लोग चला रहे हैं। वाह। अजी यही स्वाद तो मैं ढूंढता हूँ जगह जगह जाके देश का स्वाद। और हमारा काम ही क्या है जी, आप तक पहुंचाना कि हर शहर में बढ़िया स्वाद का मिलता है। मेरे साथ विश्वास लश्करी जी है, कब से चला रहे हो भैया ये दुकान आप? 22-24 साल हो गए। आलू के बनाते, प्याज के बनाते, अब टमाटर के कैसे पकड़े? जो पापा के दोस्त है तीमन होची वाला, उन्होंने आके बोला कि भाई ये चालू करो। हाँ। अपनी दुकान मस्त चलेगी, जब से चालू किया है तब से चल रही, फर्स्ट क्लास चल रही है, पीछे मुड़ के नहीं देखा। टमाटर के पकौड़े वाकई इंटरेस्टिंग है। अजी गुजरात आए और थाली ना खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं आया हूँ गोवर्धन थाल, जो कि गुजराती थाली के लिए फेमस है और बिल्कुल ट्रेडिशनल। और मेरे साथ हैं महिपाल जी, देश का स्वाद में आपका स्वागत है। महिपाल जी, थैंक यू सो मच कि आपने ये बहुत सुंदर सी थाली यहाँ सजाई है। ये बताइए ये क्या है? सर ये तूरिया वटाना की सब्जी। तूरिया वटाना जी। और ये क्या है सर? ये लूबिया। हाँ। चौली। चौली दही में बनाया। दही में बनाया। और ये क्या? ये है आपकी गुजराती दाल। अच्छा, ये गुजराती दाल है। बिल्कुल। और ये क्या है सर? ये है आपका बीट का हलवा। अच्छा, बीट का हलवा। बीट आता है। थाली अपने आप में एक सरगम है, मतलब आप एक एक बाइट लें, अलग अलग फ्लेवर्स आएंगे, टेक्सचर्स आएंगे, टेस्ट आएगा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ तीखा। ये बहुत मज़ेदार है, इस थाली में एक संगम है स्वाद का जो मैं यहाँ चख रहा हूँ। और यहाँ से चखने के बाद, पूरा आनंद लेने के बाद, मैं आपको अपने अगले स्वाद के ठिकाने पर मिलूँगा। लेकिन फिलहाल तो खाऊँगा भाई आराम से। We'll be right back.
आज मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे अंडे बड़े फेमस है, मतलब बड़े प्रकार के मिलते हैं, 100 से भी ज़्यादा वैरायटी है और बड़ी ट्रेडिशनल जगह है। मैं आज यहाँ पे जहाँ बनता है वहाँ खड़े होके खाऊंगा, मज़े लूँगा और बातें भी करूँगा। सर अभी ये मेरे लिए क्या बनाएगी? पहले हैदराबादी है सर, ये हैदराबादी स्टाइल बना है, चटपटी है, थोड़ी तीखी भी है, मज़ेदार है। जब आप सूरत आए जरूर आए, मजा लें और मैं मजा लेके आपको अपने अगले ठिकाने पे मिलूंगा। वाह, और कोई वैरायटी है बेटा? बनाओ बनाओ, आज तो खाएंगे बेटा, मजे लेंगे। मैं एक बहुत यूनिक और मॉडर्न जगह पे आया हूँ, शायद हिंदुस्तान में पहली ऐसी जगह होगी जो कंटेनर्स हैं उसका रेस्टोरेंट बना दिया है इन्होंने। तो मेरे संग हितेश गुप्ता जी हैं। हितेश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन फॉर दिस अवार्ड। सर कुछ अपने रेस्टोरेंट्स की स्पेशलिटीज है वो आपके लिए मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा। ठीक है प्लीज सर, तो चलिए बुला लेते हैं। श्योर सर। चलिए जी, खाना सज गया है बिल्कुल बढ़िया, राइट फ्रॉम सूप टू स्टार्टर टू सम इंडो फ्यूजन टू सम टिपिकल हिंदुस्तानी खाना, बहुत पॉपुलर वाला टेस्ट है ये, जो लोगों को पसंद आना चाहिए सबको। मतलब समय यहाँ गुजारूंगा और आराम से अपना डिनर करूंगा और उसके बाद आपको मिलूंगा अपने अगले स्वाद के ठिकाने में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहे टाटा सॉल्ट एंड टाटा संपन्न प्रेजेंट्स देश का स्वाद सीजन 3 पावर्ड बाय गोवर्धन घी। टाइम टू ईट नाउ। निकिता जी नमस्कार। देश का स्वाद में स्वागत है। क्या बना रही हैं आप निकिता जी? सूरत की घारी है। सूरत की घारी, शुरुआत करें बनाने की। भाई ये कौन सा घी है? वाह जी वाह, ये है गोवर्धन घी। सूरत आए और सूरती घारी जो है स्टेशन के बाहर से जितनी मिठाई की दुकानें हैं सब में, सब जगह मिलेगी आप, क्योंकि यहाँ इंसान आता लेके जाता है। लेकिन अगर यही चीज आप घर पे बनाएं तो आपको एक भरोसा कायम हो जाता है और उसमें अगर एक इंग्रेडिएंट ऐसा पड़ जाए जो भरोसेमंद हो और जिसने ब्रांड ट्रस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से अवार्ड जीता है भरोसेमंद का, अव्वल दर्जे का, भाई फिर तो बात क्या है ना। कितना आलू बताइए? ये गोवर्धन घी मेरे पास है और इसको क्या करना है जी? अच्छा बेसन डालना है। तो इसमें जो बेसन पड़ा वो टाटा संपन्न का बेसन है जो कि शुद्ध चना दाल से बना हुआ है और अनपॉलिश चना दाल के कारण ये सबसे बेहतरीन बेसन है, तो ये हमने यूज किया इसमें। चलिए, और ये क्या है जी? खोया। खोया, अच्छा हो गया। हो गया, फेबर की ओर से इंडक्शन जो मिला है बहुत सुंदर, क्योंकि हर जगह मैं गैस नहीं चला सकता। अब क्या करना है? ड्राई फ्रूट ऐड करना है। अच्छा ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, काजू है, बादाम और पिस्ता ज्यादा है। अच्छा चलिए बढ़िया। अब इलायची पाउडर आधी चम्मच, उसको 15 मिनट तक ठंडा करना है। अच्छा बिल्कुल ठंडा, ओके। और अब ये लोट बूंदेंगे, तो ये मैदा है। अच्छा वापस गोवर्धन घी डालना है, कितना डालना है ये बताइए? एक चम्मच अच्छी तरह मिक्स करना है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब इसके बाद क्या कर रहे हैं जी? ये पूरा ठंडा हो गया है जी, इसलिए इसमें शक्कर डालनी है। शक्कर है हाँ। अच्छा ये अब ऐसे पकड़ के देखती कि जम जाता है? नहीं, हाथ से भी कर सकते हैं। अच्छा ये मिक्स हो गया, हो गया। इसका लुआ बनाना है, लड्डू बनाने हैं बेसिकली। हाँ तो मतलब ये अंदर भरा जाएगा। छोटी पूरी बनानी। बीच को बीच में रख के हाँ। बिल्कुल हवा नहीं रहनी चाहिए बीच में, और ऐसे हाँ। बना देना है। अच्छा ओके वाह, कचौरी जैसा, वेरी गुड, क्या बात है। ये घी डाल लीजिए पैन में, आइए वापस शुद्ध गोवर्धन घी
अभी शुरू करें, घी में रखना है इसको? हाँ, इसको घी में रख। वाह, ये देखिए, धीरे धीरे से इसको पकाना है। अभी ब्राउन हो गया है, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही ब्राउन करना है। अच्छा, चलिए अब इसको निकालना है। ये लीजिए, अब इसको क्या करना है जी? थोड़ी देर बाद इस घी में डालना है। अच्छा, घी में डालना है वापस, और ये घी में डाल, दो मिनट तक ही ऐसा करना है। अच्छा, और इसको फ्रिज में रखने का है। अच्छा, ये निकाल दिया? हाँ, ताकि ये जम जाए, पूरा घी जम जाए, इसको फ्रिज में रख दूं मैं? हाँ। मैं टेस्ट क्या करूंगा? बना के रखा है? हाँ, पहले से बना कर रखा है। अच्छा, ये बिल्कुल तैयार पहले से करके रखा है, तो ये क्या है इसके साथ परोसते हैं? हाँ, ये बड़ा मीठा है ना, इसीलिए ये भूसा है। खारा सूरत का, सूरत का भूसा। हाँ। भूसू कहते हैं इसे, भूसू। वाह जी वाह, अब जो है ना टेस्ट करने की बारी है। और सच में कह रहा हूँ, जो लोग डाइट पे भी है ना, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, जैसे मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। अब निकिता जी ने इतनी मेहनत की है, इतनी स्वादिष्ट चीज मुझे खिलाई है, तो इनको कुछ देना बनता है। ये टाटा सॉल्ट और टाटा संपन्न की ओर से आपके लिए बढ़िया गिफ्ट हैम्पर, और गोवर्धन घी की ओर से भी बिल्कुल बढ़िया भरोसेमंद घी हैम्पर। घी हैम्पर है मतलब इसमें घी है। और ये बनाइएगा, मैं वापस आऊंगा खाने के लिए। हेलो एवरीबॉडी, लो जी हम आगे सूरत, सूरत का स्वाद मैंने चख लिया, बहुत ही मजेदार चटपटा है। अब बारी है मेरी, तो आप लोग सब तैयार हैं? या चलिए मैं भी तैयार हूँ, और स्वाद की सवारी में चढ़ के बनाते हैं बढ़िया सी डिश। मैं एक पीनट मसाला फ्राई बना रहा हूँ, वो जिसका नाम मैंने दिया पिज्जा चिली मसाला पीनट। बनाने के पहले जो मेरी एक परंपरा सी है, मैं लोगों से ना इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछता हूँ, ताकि लोगों को थोड़ी जानकारी मिल जाए कि अच्छे इंग्रेडिएंट की जानकारी कैसे होनी चाहिए। नमक जो मेरी भी सबसे पसंदीदा इंग्रेडिएंट है, उसका टेस्ट कैसे होता है, किसी को पता है जी? आके बताइए यहाँ पे, चलिए आके बताइए। हेलो, क्या नाम है आपका? नेहल। तो नमक का प्योरिटी टेस्ट कैसे होता है बताइए? पानी में दो चम्मच मिला के। अच्छा, ये मैं आपके लिए पानी रखा है मैंने, ये पानी डाल लेते हैं। ये लीजिए ये पानी, ये टाटा का नमक, ये जो है ये बढ़िया टाटा सॉल्ट हमने लिया है, और ये वैक्यूम इवैपोरेटेड आयोडाइज सॉल्ट, वेरी नाइस। मिक्स करना है, तो क्या होता है मिक्स करने से? अगर ये घुल जाएगा पानी में, तो फिर से हम समझेंगे कि ये प्योर है। वाह, ये पानी जैसा हो गया वापस, तो ये इसकी प्योरिटी टेस्ट है, राइट? वेरी नाइस। तो मेरे लिए आपके लिए बहुत बढ़िया सा गिफ्ट हैम्पर है, ये टाटा सॉल्ट और टाटा संपन्न की ओर से बढ़िया गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। और इसके साथ साथ गोवर्धन घी की ओर से भी आपके लिए बढ़िया गिफ्ट हैम्पर। अब बारी है बढ़िया डिश बनाने की, यानी कि ये पिज्जा चिली पीनट्स जो बना रहा हूँ मैं, करारे वाले, उसके लिए मैंने सॉल्टेड पीनट्स लिए हैं। कुछ मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले ये रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, ये भी टाटा संपन्न के लिए, मिर्च रेड चिली, ये भी टाटा संपन्न का मैंने लिया है। साथ साथ इसमें मैं राइस फ्लावर ये डालूंगा, टाटा संपन्न का ही बेसन यूज कर रहा हूँ, 1 कप ये यूज कर रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, टाटा सॉल्ट का नमक यूज कर रहा हूँ स्वाद बढ़ाने के लिए। लेकिन नमक में एक ऐसा पौष्टिक तत्व होता है जिससे मानसिक विकास होता है, है किसी को पता है जी? आयोडीन। आयोडीन, आ जाइए आप। हेलो जी, क्या नाम है आपका? निशा। निशा जी, अब इसमें थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डालेंगे। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पे घी में हम फ्राई करेंगे, तो मैं ये गोवर्धन घी ले रहा हूँ,
ये जो मिक्सचर मैंने लिया है इसको मिक्स कर लेते हैं और पानी डाल लेते हैं। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब मैं हाथों से मिक्स कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसमें हाँ कोटिंग आनी चाहिए और आटे जैसा हो, बहुत पतला होगा तो कोटिंग आएगी नहीं ठीक से, तो फिर वो क्रिस्पीनेस भी नहीं आएगी। और एक एक करके ऐसे थोड़ा सा हाँ जैसे छोटा छोटा एक एक पीनट हो, दो दो हो तो वो आना चाहिए इसमें। तो ये देखिए बढ़िया क्रिस्प ब्राउन हो गए। अब इसमें निकाल लेते हैं, ये लीजिए ये निकाल लिया। अब पिज्जा फ्लेवर दे रहे हैं करके, मिक्स्ड हर्ब्स पिज्जा वाले मिलते हैं मार्केट में, वो डाल लें इस पे। और इस पे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला ये डाल लें, चिली फ्लेक्स, और इसको पहले मिक्स कर लें। और इसके बाद पार्मेसन चीज पाउडर। अब ये चीज को मैं निकाल के, जब भी आप बनाती हैं तो इसको निकाल के इसमें डाल लें। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है और स्पेशली डेडिकेटेड है सूरत के लिए, क्योंकि लोग फरसान बहुत खाते हैं। और इसके पहले कि आप यहाँ से जाएं, मैं आपको एक गिफ्ट हैम्पर देना चाहता हूँ, टाटा सॉल्ट और टाटा संपन्न की ओर से आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर, और गोवर्धन जी की ओर से ये भी आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। तो इसी तरह से खाने पीने का सिलसिला जो है हमारा चलता रहेगा, और स्वाद की सवारी के संग मैं यहाँ से निकलूंगा अपने अगले स्वाद के शहर में, आपको मिलूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहें टाटा सॉल्ट एंड टाटा संपन्न प्रेजेंट्स देश द स्वाद सीजन 3 पावर्ड बाय गोवर्धन घी। स्वाद का सिलसिला चलता रहेगा। Presented by Tata Salt and Tata Sampann. Powered by Govardhan Ghee. Rice partner Pansari Basmati Rice. Kitchen partner Faber. Karma partner Force Motors.